वेलकम टू आकाश टेक्नोलैब वीडियो ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो में देखते हैं कि एक पेज में से दूसरे पेज में कैसे जाना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया है मैंने। एक्टिविटी में XML फाइल में सबसे पहले यहाँ पे देना है लीनियर लेआउट। यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट क्यों दिया, बिकॉज ये आपका एक विंडो है। यह विंडो में वर्क करने के लिए आपको एक लेआउट स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अभी लिया लीनियर लेआउट। जब भी लीनियर लेआउट देते हैं तो यहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना है ओरिएंटेशन, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। अभी हमने दिया वर्टिकल, तो एक के नीचे एक सभी व्यू कंपोनेंट आपको शो हो गए। यहाँ पे हमने दिया होता हॉरिजॉन्टल, तो साइड बाय साइड सभी व्यू कंपोनेंट हमको शो होते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया वर्टिकल। अभी क्लोजिंग टैग को क्लोज कर देते हैं लीनियर लेआउट से। यहाँ पर हमको चाहिए एक बटन, तो यहाँ पर ऐड किया बटन। हाइट विथ दोनों रैप कंटेंट, बटन में टेक्स्ट सेट किया, ओपन फर्स्ट एक्टिविटी, बटन का एक आईडी असाइन किया फर्स्ट। अभी जब भी ये बटन में सिंगल क्लिक होगा तभी एक कुछ इवेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमको ये चाहिए कि जब भी ये बटन में क्लिक किया तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास वो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक्टिविटी बनाने के लिए जावा के फर्स्ट पैकेज में आपको देना है राइट क्लिक, यहाँ से न्यू एक्टिविटी एंड एम्प्टी एक्टिविटी। एक्टिविटी का नाम देते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे फिनिश। जब भी एक्टिविटी लेते हैं तो दो फाइल बनती है, एक क्लास फाइल, सेकंड XML फाइल। क्लास फाइल होती है बैकेंड का कोड लिखने के लिए, XML फाइल होती है डिज़ाइनिंग के लिए। तो एक्टिविटी फर्स्ट में आते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं लीनियर लेआउट, यहाँ पे ओरिएंटेशन देते हैं वर्टिकल, एक टेक्स्ट व्यू शो कर देते हैं, हाइट विथ दोनों रैप कंटेंट, इसमें टेक्स्ट सेट किया फर्स्ट एक्टिविटी। टेक्स्ट साइज बड़ा नहीं है तो यहाँ पे आप दे दो टेक्स्ट साइज 30 SP। दोनों को क्लोज कर देते हैं XML फाइल एंड क्लास फाइल को। अभी ये बटन को मेन एक्टिविटी में जाके पहले डिफाइन करना है। तो यहाँ पे बटन, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो। अभी ये ऑब्जेक्ट को आईडी से इनिशलाइज करना है, मीन्स ये जो आईडी हमने बटन पे दिया ये आईडी ये ऑब्जेक्ट में सेट करना है। तो उसके लिए बटन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लेना है बटन फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड, r.id. बटन का आईडी दिया था हमने, फर्स्ट। तो ये आईडी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अभी जब भी बटन में क्लिक होगा उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी, तो बटन पे क्लिक इवेंट सेट करनी है। उसके लिए बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिखना, यहाँ पे आपको लिखना है न्यू इन कैपिटल ओ देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑन क्लिक लिखना। अभी एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी को कॉल करने के लिए इंटेंट क्लास यूज़ करना है। तो इंटेंट क्लास को कॉल किया, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, यहाँ पे देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ पे आप जो भी एक्टिविटी में होंगे उसका नाम देना है। तो अभी हमें मेन एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस। जब भी ये बटन में क्लिक किया तो हमको कहाँ जाना है, फर्स्ट एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ पे मेथड लेनी है स्टार्ट एक्टिविटी एंड इंटेंट। अभी देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, तो ये आउटपुट हमको शो हो गया। अभी हमने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन हो गई यहाँ पे। ओके, अभी ये फर्स्ट एक्टिविटी में बैक बटन ऐड करना है। तो
तो बैक बटन ऐड करने के लिए हमको जाना है मैनिफेस्ट फाइल में, फर्स्ट एक्टिविटी में बैक बटन को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको मेथड देनी है पेरेंट एक्टिविटी नेम, यहाँ पे देना है मेन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी का नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये फर्स्ट एक्टिविटी में बैक बटन ऐड हो गया। तो ये था एक सिंपल इंटेंट का एग्जांपल। फॉर मोर वीडियो कॉन्टैक्ट आकाश टेक्नोलैब, कॉन्टैक्ट पर्सन आकाश। बढ़िया।